Hello everyone. A warm welcome once again to the analysis of the stories written by your kids. Wonderful stories written. एक पिक्चर जिसमें एक तरफ एक बच्चा सड़क पर बैठा हुआ वेस्ट फूड खा रहा है और दूसरी तरफ हम फूड को वेस्ट कर रहे हैं. ए पिक्चर शोइंग अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वेस्टेज ऑफ फूड. सो योर किड्स हैव रिटन वंडरफुल स्टोरी स्टार्टिंग फ्रॉम समवन न्यू द लिटिल चैंपियन. यू हैव रिटन अ गुड स्टोरी, वेरी गुड स्टोरी, मोस्ट कनेक्टिंग स्टोरी. द टाइटल इज डोंट वेस्ट फूड. योर स्टोरी सेज ए मैन during his office at the lunch time he used to leave food in his plate every day. One fine day he noticed his peon is eating the same food which he left without noticing on his plate, and from that day he made sure that from tomorrow onwards he will not leave food as a waste. Instead wo jis time khana khata tha he splits the food in two parts और उस पीएन को बुला के उसको साथ में ही पहले ही दे देता था. That's a good moral, very good. जहां पर आपने मेंशन किया डोंट वेस्ट फूड, राइट? सो इट्स अ गुड स्टोरी. सेकंड इज लावण्या. लावण्या यू आल्सो रिटन अ वेरी गुड स्टोरी. योर टाइटल इज फूड. एंड देयर इज अ फैमिली गोज इनटू द रेस्टोरेंट जहां पर बहुत सारा खाना मंगाते हैं. ही ऑर्डर्ड मेनी थिंग्स इन मेनी वैरायटीज एंड एट द एंड वो बहुत सारा खाना छोड़ भी देते हैं. ये देखकर वहां का मैनेजर बहुत गुस्सा होता है और उस फैमिली को समझाता है कि कितना खराब है खाना छोड़ना. एटलीस्ट पैक करा के हम उन पुअर्स को दे सकते हैं जो नीडी हैं, जो जरूरतमंद हैं. गुड स्टोरी भी लावण्या, वेरी गुड. कृष्णा. कृष्णा यू ऑल्सो रिटन अ वेरी गुड स्टोरी. योर टाइटल इज सेव फूड इट्स आर लाइफ. अ चाइल्ड आबू जो कि बिरयानी बनाता है अपने बर्थडे पर और उसमें से उसके तीन बाउल में से एक बाउल गिर जाता है. उस गिरे हुए बाउल को वो जैसे ही फेंक रहा होता है उसकी मदर उसको रोक लेती है कि बेटा इसको फेंकना नहीं, इसको रुक जाओ. वो मदर उसकी जब कोई उनके घर में मांगने वाला आता है उसको देती है तो वो देखता है वो बच्चा कि कैसे वो एक छोटा सा बच्चा जिसके पास पैरट होता है वो दोनों मिलके वो उसकी बची हुई बिरयानी को खा जाते हैं. सो वो मदर अपने बच्चे को बताती है देखो बेटा कितना इम्पोर्टेंट है हमारा खाना और अगर हम इसको वेस्ट करेंगे, हम इसको डस्टबिन में फेंक देते तो शायद ये किसी के काम नहीं आता. वेरी गुड स्टोरी. योर मोरल इज ऑल्सो वेरी गुड कृष्णा. एवरी सिंगल ग्रेन इज इम्पोर्टेंट इन आर लाइफ. डोंट वेस्ट फूड एट ऑल. वेरी गुड स्टोरी. लक्ष्य. योर टाइटल इज स्ट्रगल फॉर फूड. देयर इज अ स्टोरी ऑफ अ जैक हु वॉन्टेड टू सेलिब्रेट अ बर्थडे इन अ फाइव स्टार होटल. वो अपना बर्थडे फाइव स्टार होटल में मनाता है एंड वो क्या देखता है कि जो खाना बचा उसको वहां के स्टाफ ने डस्टबिन में डाल दिया. एंड व्हाट हैपेंड जब वो ये देखता है कि कुछ बच्चे उस डस्टबिन के आसपास खड़े हैं और वही खाना निकाल कर वो बच्चे खा रहे हैं. उसको बहुत गिल्टी फील होता है और फ्रॉम दैट डे वो एक चीज इंश्योर करता है कि जब भी वो बर्थडे सेलिब्रेट करेगा वो कभी भी फाइव स्टार में नहीं करेगा. वो हमेशा अपने बर्थडे पर डाउन ट्रूडेंट्स को, पुअर्स को खाना खिला के करेगा. वो एक लेसन था उसकी लाइफ में. हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ चीजें अपनी लाइफ में सीखते हैं, नोटिस करते हैं हमारी सराउंडिंग्स से. सो ऑन दैट डे जैक नोटिस्ड. वेरी गुड स्टोरी रिटन. लक्ष्य योर मोरल इज नेवर वेस्ट फूड एंड ऑलवेज टेक इनिशिएटिव ऑन द ओकेजंस ऑन द बर्थडेज टू डिस्ट्रीब्यूट फूड फॉर पुअर्स. यू हैव मेंशनड अ वर्ड ग्रांट. यहाँ ग्रांट का यूज नहीं होगा, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं. गुड स्टोरी रिटन लक्ष्य. अनुश्री. अनुश्री यू हैव ऑल्सो रिटन अ वेरी गुड स्टोरी. योर टाइटल इज बिगेस्ट सिन इज वेस्टिंग फूड. वेरी गुड. एक फैमिली जो रास्ते में जा रही होती है किसी बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए किसी होटल में, रास्ते में देखती है छोटा सा बच्चा सड़क के किनारे बैठा हुआ वेस्ट फूड खा रहा है. वो जल्दीबाजी में तो निकल जाते हैं लेकिन जिस टाइम पर वो फैमिली पहुंचती है और वहां पर
मदर अपने बच्चे को देखती है कि उसने अपनी प्लेट में नूडल्स को छोड़ दिया है और वो डस्टबिन में फेंकने जा रहा है। उसी टाइम पर उसकी माँ उसको पॉइंट आउट करके बताती है, देखो बेटा हमने रास्ते में नोटिस किया था कि कैसे एक बच्चा वेस्ट फूड खा रहा था और आप फूड को वेस्ट कर रहे हैं। सो इमीडिएटली उस बच्चे को उनकी मदर ने कनेक्ट किया और उस पॉइंट को नोटिफाई कराया कि ऐसे हमें फूड का वेस्टेज नहीं करना चाहिए। वेरी गुड स्टोरी रिटन एंड योर मोरल इज ऑल्सो वेरी गुड। वी शुड अवॉइड टू कुक फूड जस्ट फॉर क्लैप ट्रैप। अ वेरी गुड वर्ड यूज क्लैप ट्रैप, दिखावे के लिए। हमें सिर्फ खाना नहीं बनाना चाहिए। अ गुड स्टोरी भार्गव। भार्गव योर स्टोरी इज ऑल्सो वेरी गुड। Rather, you have mentioned the points. Don't waste food. That's your title. And you're saying about the picture. The picture says the child is sitting on the roadside and eating the waste food. Whereas at the same point in time, you are throwing food in a garbage. And it happens. It happens everywhere. Without any doubt, it happens everywhere. It happens everywhere. Knowingly or unknowingly, it happens. Next, Vasudha. Vasudha, you have also weaved a most connecting story. Your title is Realizing Importance. Your story is about a poor boy who used to go out every day in search of a food, knocking door to door. He normally didn't get a good response. But one fine day, a kind lady, you know, he gave him a very good food. And not only he gave him a good food, but also at the same point in time, he packed food for his brother. And while doing all this exercise, she wanted to make her child understand about the importance of food, जो कि वो रोज अपनी प्लेट में कुछ ना कुछ वेस्ट करता था। उसकी माँ ने ये सारी एक्सरसाइज करके उस बच्चे को ये बता पाई कि देखो एक बच्चा अपना कितना किस तरीके से खाना खा रहा है और साथ में अपनी फैमिली के लिए भी लेके जा रहा हूँ और यहाँ पर आप बेटा रोज कुछ ना कुछ अपनी प्लेट में छोड़ देते हो। सो दिस वॉज हर मोरल एंड योर मोरल इज ऑल्सो वेरी गुड। वी शुड नॉट वेस्ट फूड। वेरी गुड स्टोरी रिटन वसुधा। बरिका। बरिका योर टाइटल इज पॉवर्टी एंड योर स्टोरी इज अबाउट ए 5-year-old चाइल्ड सुनीता जो बहुत ही पुअर फैमिली को बिलोंग करती है जिसके मदर फादर दो वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं बट ड्यूरिंग द पैंडेमिक ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पैंडेमिक वो दोनों सरवाइव नहीं कर पाते हैं और वो बच्ची को ऑर्फनेज में भेज दिया जाता है। वहां पर भी उसको ठीक से खाना नहीं मिलता और वो बच्ची बाहर निकल के रोड साइड में जो डस्टबिन होते हैं वहां से खाना ढूंढ के खाती है विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग कि ये खाना खराब है या अच्छा है। उसको सिर्फ अपनी भूख को उसकी हंगर को शांत करने के लिए वो फूड को खाना पड़ता है। एंड इट हैपेंस एवरी डे। इट हैपेंस एवरी डे टू मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया इन द एंटायर वर्ल्ड। इट इज नॉट ओनली अ सिंगल चाइल्ड स्टोरी, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ मिलियंस ऑफ चाइल्ड। इट हैपेंस एवरी डे। वेरी गुड स्टोरी रिटन एंड दिस इज यू नो स्प्रेडिंग मोर ऑन नाउ दीज डेज क्योंकि इस टाइम पर कोरोना वायरस पैंडेमिक के बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे नहीं खाना खा पाते हैं और भूख से परेशान है। हैट्स ऑफ, अ बिग सैल्यूट टू ऑल दोज जो इस टाइम पर उन लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं, अपने घर में खाना बना रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं। दे आर डूइंग ए कमेंडेबल जॉब। Connecting to this, we should also understand कि कैसे हम खाना बनाते हैं, because wastage of food is, you know, connected to the entire social society. It is very important to understand the connectivity of the food. कैसे एक बीज को हम बोते हैं और उसमें से छोटा सा पौधा अंकुरित होता है। उसको बड़ा करने के लिए उसमें पानी डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं। वी केयर लाइक अ बेबी, वी केयर लाइक अ चाइल्ड। उस फार्मर से पूछे वो अपने इमोशंस, अपने लव उसके साथ में अटैच करता है और वो ग्रेन को बड़ा करता है और वन फाइन डे उसको मशीनों से सेग्रीगेट करके पैकेज करके हमारे स्टोर तक पहुंचाया जाता है जिस
सुपर स्टोर तक पहुंचाते हैं, उस वहां से हम लोग पैकेज फूड लेकर आते हैं और घर में ओपन करके बना लेते हैं। बनाने के बाद उस प्लेट में सर्व होता है और फाइनली वो बहुत सारा फूड डस्टबिन में चला जाता है। इट इज नॉट दैट द फूड इज वेस्टिंग ऑन द प्लेट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मनी इज वेस्टेड, इट इज the effort is wasted, it is the love and care is wasted, it is the energy is wasted, it is the water which is going waste, it is many thing attached to it which is actually going waste. You know, 67 million tons of food is waste in India, which is approximately in rupees 92,000 crores a year. इतनी वैल्यू का फूड हम वेस्ट कर देते हैं नोइंगली अनोइंगली, जानबूझ के नहीं करते, बट इट इज बीइंग डन अनोइंगली, राइट? सो इट इज द एंटायर साइकिल वी आर डिस्टर्बिंग। द मोमेंट वी थ्रो अ फूड इन अ गार्बेज इन अ डस्टबिन, इट इज द एंटायर साइकिल वी आर डिस्टर्बिंग। दैट इज द ओनली रीजन वी हैव टेकन दिस इनिशिएटिव टू कनेक्ट दीज स्टोरीज विद योर किड्स, सो दैट दे शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस of food, the connectivity of food. It is not that the food which is we are wasting, it is the entire connectivity. Thank you so much. And it is very important to understand we should not waste food. And goodbye from now. Thanks a lot.